पाकिस्तान 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 मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो टीआरएफ और यूटी सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार 170 दिन से जम्मू के कश्मीर बेस के जितने भी मुलाजिम हैं, वो जम्मू के अंदर धरने पे बैठे हैं। अंबेडकर चौक के अंदर भी 300 के करीब मुलाजिम जो हैं, वो धरने में बैठे हैं, लेकिन यूटी सरकार ने अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं की। जिस प्रकार की कल एक लिस्ट टीआरएफ ने इंटरनेट पे अपलोड की है कि वो टारगेट किलिंग करेगा, उसके अंदर उसने किस किस को टारगेट के तहत नामित किया है वो सब उसके अंदर दिया गया है। और उसके बाद ही कुछ समय के बाद अनंतनाग के अंदर एक सर्किल के अंदर जो दो मुलाजिम थे, एक बिहार का एक नेपाल का, उनको टारगेट किया गया। वो अभी सीरियस है और श्रीनगर के अंदर जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हिंदू समाज लगातार कश्मीर के अंदर जो है वो प्रताड़ित हो रहा है, टारगेट हो रहा है, लगातार हिंदू का टारगेट किया जा रहा है। और हम सरकार से बार बार जो है वो आह्वान कर रहे हैं कि हिंदू को सुरक्षित किया जाए, हिंदू को सुरक्षित किया जाए, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठाती नजर नहीं आ रही। हम ये मानते हैं कि सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस अपना काम जो है वो बेखूबी कर रही है, लेकिन सरकार जो है वो क्यों सोई हुई है, क्यों इन मुलाजिमों को मौत के मुंह में भेजने का काम कर रही है। जिस प्रकार से 4 महीने से इनकी सैलरी बंद है, क्यों बंद है, बायोमेट्रिक का दबाव इनके ऊपर क्यों बनाया जा रहा है, सरकार इसका जवाब दे। जब सरकार बड़े बड़े दावे जो है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो है वो देती है कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं को हाथ नहीं लगने दिया जाएगा, टारगेट किलिंग को बिल्कुल बंद किया जाएगा, अरे कहां बंद किया, अभी भी लगातार हर 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई जो है वो टारगेट किया जाता है वहां पर, और जो टारगेट होता है वो हिंदू होता है। हम सरकार को यह चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने मुलाजिम यहां पर बैठे हैं धरने पे, इनकी बात को सुना जाए और इनकी मांगों को माना जाए, इनकी तनख्वाह जो है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए। और हम सरकार को